एक महिला जिसकी निर्मम हत्या करके उसके टुकड़ों को बोरी में भरकर एक गांव के नजदीक क्षेत्र में फेंक दिया गया। फेंके जाने वाले स्थान पर जब बेहद अधिक मात्रा में बदबू आनी शुरू हुई तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर बोरी को देखा और उसमें एक महिला की मृत लाश मिली। मिलने पर गांव वालों ने पुलिस थाना में कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने आकर देखा। देखने के बाद पुलिस को महिला का सर गायब मिला, बाकी और सभी हिस्से काटकर बोरी में भर देकर फेंक दिए गए थे, जिसको देखकर सभी का दिल दहल गया था। दोस्तों, मैं विजय पांचाल फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और सच्ची घटना के साथ। घटना को पूरा जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला है सीतापुर, और सीतापुर का थाना है एक रामपुर कला। रामपुर कला के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम है गुलरिया गांव। गुलरिया गांव में 9 नवंबर 2020 की रात्रि के समय की यह घटना है, जहां पर एक महिला के शव को देखा गया। महिला के शव को टुकड़े कर बोरी में बांध के एक गांव के समीप एक क्षेत्र में फेंक दिया गया था। फेंकने के बाद जंगल उसके आसपास होने की वजह से लोग वहां पर ज्यादा जा नहीं रहे थे, लेकिन जब उसमें ज्यादा दुर्गंध आनी शुरू होने पर लोगों ने वहां पर पास आकर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि यहां पर कुछ न कुछ गलत हुआ है, तो आकर एक बार जरूर देखे। पुलिस ने जब अपनी शिनाख्त की तो पुलिस को वहां पर एक महिला का शव मिला जो कि बोरी में बंद था। बोरी बंद शव में पुलिस को महिला की गर्दन ना मिलकर बाकी शरीर के सभी हिस्से कटे हुए प्राप्त हुए। दोस्तों, यह घटना जानकर पुलिस ने अपना पूरा जोर लगाया कि यह महिला कौन है, इसकी शिनाख्त की जाए। तो काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आखिरकार खोजबीन शुरू कर दी कि कहीं इसका सर आसपास ना पड़ा हो। तो दोस्तों, काफी मशक्कत के बाद पुलिस को आखिरकार एक महिला का सिर मिला कटा हुआ, जो कि बड़ी बेरहमी से कुचला हुआ था। पुलिस का यह कहना बड़ा ही मुश्किल था कि यह जो शव मिला है यह उस ही महिला का है जिसकी गर्दन दूसरे जगह मिली थी। तो दोस्तों, एक पहचान कराने के लिए पुलिस ने दोनों को लैब टेस्ट के लिए भेज दिया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि जिस महिला का शरीर कटा हुआ बोरी से प्राप्त हुआ है वही इस सिर से मैच हो रहा है, उसका डीएनए। तो दोस्तों, लेकिन महिला की जो है पहचान करना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन कैसे भी करके पुलिस ने जो है महिला का स्केच तैयार करवाया और पूछताछ शुरू की। गांव में पूछताछ करने के बाद पुलिस को किसी से कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक लड़के ने उसकी शिनाख्त की और बोला कि मैं इसे जानता हूं, यह अपनी पत्नी के साथ पास ही के गांव में रहता है। दोस्तों, महिला का नाम पुलिस को पता चला ज्योतिषना, जो कि एक शादीशुदा महिला थी जिसके 3 बच्चे थे और पति का नाम पंकज था। तो लड़के ने बताया कि यह तो अपने पति के साथ पास वाले गांव में रहती है, जिस गांव का नाम लोहना गांव है। तो दोस्तों, तुरंत ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसका एड्रेस लिया और वहां पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद पुलिस ने उसके पति को पूछा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है और क्या करती है। तो दोस्तों, उसके पति ने कहा कि मेरी पत्नी अभी मायके गई है और वह कुछ दिनों बाद लौटेगी। तो दोस्तों, पुलिस को शक हुआ, और शक होने के बाद पुलिस ने कहा कि क्या तुम अपनी पत्नी से हमारी फोन पर बात करवा सकते हो। इतना कहते ही
वो उसका पति हड़बड़ाया, पंकज जिसका नाम था, वो हड़बड़ाया और बातों को टाल मटोल करने लगा। उसकी हलचल को देखकर पुलिस को उस पर शक हो गया और उसे धर दबोचा। धर दबोचने के बाद दोस्तों पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया और सख्ती से उसकी पूछताछ शुरू कर दी। शुरू करने के बाद उसने बताया कि मेरी पत्नी का खून मैंने ही किया है और मेरे साथ दो लोग और थे जो कि मेरे दोस्त थे। दोस्तों अपनी ही पत्नी का खून करके उसे काटा और काटने के बाद उसे बोरी में पैक किया। यह घटना 8 नवंबर की है। दोस्तों यह घटना उससे पूछते वक्त उसके पति पंकज ने बताया कि मैंने अपनी पत्नी की जान इसलिए ली है क्योंकि मैं बहुत बहुत परेशान था। उसकी जब पंकज की पूरी बात पुलिस वालों ने सुनी तो सभी पुलिस वाले दंग रह गए और सोचते रहे कि यह इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। तो दोस्तों जो पंकज ने अपना स्टेटमेंट दिया था वह है कि मेरी पत्नी, पंकज बताता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर, हमारी शादी को काफी साल हो चुके हैं, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जब मैं काम पर चला जाता हूं तो आस पड़ोस में और बाहर काफी मर्दों के साथ नाजायज संबंध बनाती है जिसको लेकर वह बड़ा ही दुखी और परेशान था। दोस्तों काफी लोग उसके गांव के पंकज को बोलते थे कि तेरी पत्नी आज किसी और के साथ थी, कल किसी और मर्द के साथ थी। तो दोस्तों ऐसे करते करते पंकज को बड़ी ही लज्जा महसूस होने लगी जिसकी वजह से पंकज अपनी पत्नी से परेशान हो गया। लेकिन पत्नी को समझाने के लिए उसने सभी जतन किए लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी एक भी ना मानी। ना मानने पर पंकज ने अपनी पत्नी को 8 नवंबर 2022 को रात्रि के समय हत्या को अंजाम देने का प्लान बनाया और उसने इस हत्या को अंजाम देते हुए अपनी पत्नी के टुकड़ों को काटकर एक बोरी में भरा और एक नुकीले तेज धार हथियार से उसकी गर्दन को अलग करके उसे ईंटों से पीट पीट कर ऐसा कर दिया जैसे इसे कोई पहचान न सके। दोस्तों इतना बड़ा षड्यंत्र करके उसके दोनों दोस्तों ने, एक का नाम अर्जुन था और दूसरा उसी का दोस्त था। दोस्तों यह अंजाम देने के बाद, सभी कबूल करने के बाद उसके पति पंकज को जेल भेज दिया गया है और अर्जुन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्जुन को गिरफ्तार करके उस पर भी कार्रवाई की गई है और एक जो है मुजरिम वो फरार है। जल्द ही पुलिस बता रही है कि जल्द ही वो दूसरा जो उसका दोस्त था इस हत्याकांड में शामिल, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हत्या में दोस्तों पत्नी ने अपने पति की न मानकर हवस के चक्कर में आकर इस जो हवस की भूख है इसमें आकर दोस्तों नाजायज संबंधों को बनाया जिसको लेकर इसके पति के मन में बड़ी ही खटास पैदा हो गई और उसने इस हत्या को अंजाम दिया। दोस्तों अगर कोई पत्नी इस वीडियो को देख रही है तो कृपया करके अपने पति के कहे में रहे और ऐसे कहीं अवैध संबंधों में ना पड़े ताकि आपके साथ ऐसा कोई भी वाकया, कोई भी घटना ना घटे। तो दोस्तों हत्या करने के बाद उसे सजा हो चुकी है और अभी वो जेल में है और एक कैदी जो है वो, एक जो हत्या में शामिल उसका दोस्त है वो फरार है, जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों इस हवस के चक्कर में अपने परिवार को, अपने बच्चों की जिंदगी खराब ना करें। तो मिलते हैं फिर कभी किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय।